वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। हाँ जी, तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है जी मॉर्फी रिजिड के कॉफ़ी मेकर के ऊपर। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये है जी हमारा बॉक्स जिसके अंदर हमारा कॉफ़ी मेकर है। हमने इसे ख़रीदा है क्रोमा से। तो कुछ इस तरह से देखने में लगती है हमारी मशीन। और ये है जी पावर लेती है 800 वॉट्स की। 4 कप्स हम इसके अंदर बना सकते हैं। एंड इसका जो साथ एक कप मिलता है ग्लास का वो दिया गया है। और यहाँ पर ये थर्मो डायल की एंड इसका मॉडल नंबर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका जो MRP है यहाँ पर लिखा हुआ है जी 995, लेकिन हमें ये काफ़ी कम प्राइस में मिली। 5000 से अंडर ही है, 4000 समथिंग चेंज अराउंड ऑफ इतना कुछ। ठीक है, चलिए अब इस बॉक्स को जो है वो ओपन करके जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, तो हमने इस प्रोडक्ट को वहीं पर अनबॉक्सिंग करके जो है वो देख लिया था। तो चलिए फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ पैकिंग थोड़ी सी वहाँ पर गड़बड़ हो गई है, लेकिन इट्स ओके, तोड़ लीजिए। तो जी ये है हमारी कॉफ़ी मशीन कुछ इस तरह से। इसके साथ हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स और मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये है जी मेजरिंग स्पून जो होता है हमारा, स्कूप वो है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे खड़ा भी कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास है जी ये जार है जो कि ग्लास का है। इसके ऊपर आप मेजरमेंट्स देख सकते हो, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 कप्स जो है टोटल कॉफ़ी बनाने के लिए है। और जो हमारा मेन पार्ट है वो है जी ये हमारा कॉफ़ी जो है स्ट्रेनर। तो ये जो है ये भी ब्लैक कलर में है, लेकिन ये जो स्ट्रेनर है ये अच्छी क्वालिटी का स्टील का बना हुआ है। एंड इसके अंदर भी जो है हमें मेजरमेंट्स जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके साथ हमें मिल जाती है जी 2 ईयर्स की वारंटी। एंड हम लोगों को वहाँ पर ऑफर मिल रहा था एक्सटेंडेड वारंटी कराने का, हमने वो भी यहाँ पे करवा ली थी। एंड उसके अलावा ये है जी हमारा यूजर मैनुअल। तो सारा जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर अंदर हम देख सकते हैं क्या चीज़ किस लिए है। तो जी यहाँ पर सामने हम देख सकते हैं जी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यहाँ पर 80°C और 90° जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर रेड कलर का जो है वो सुई दी गई है। एंड जो हमारा दूसरा पार्ट है ये है जी हमारा जो टब है जिसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो ये है जी पानी वाला टब। तो ये भी अच्छे से जो है वो सील करना होता है। इसके ऊपर भी कुछ वार्निंग के लिए जो है वो लिखा गया है, तो कि ये एकदम से टाइट बंद होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके अलावा यहाँ पर ये साइड में हमें जो है वो मोड्स मिल जाते हैं। तो कॉफ़ी बनाने के लिए अलग से मोड है एंड स्टीमर का अलग है। और ये ऑन का बटन है, ये ऑफ़ करना है तो ऑन ऑफ के लिए ये बटन है हमारा ऑफ आ रहा है। और ये आती है यहाँ पर हमारी लाइट, ठीक है जी। उसके अलावा इस मशीन की जो मेन खास बात है जी, इसके अंदर हम लोगों को फ्रॉथ करने का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए ये है जी फ्रॉथिंग। इसके ऊपर भी ना इस तरह से प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। तो ये जी हमारी स्टील की है। और उसके बाद है जी ये एक्स्ट्रा, कभी कुछ कॉफ़ी वगैरह गिर जाए, स्ट्रेनर स्टेन होके गिर जाए तो इसे क्लीन करने के लिए, तो ये इसे यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। अभी एक बार हम कॉफ़ी भी जो हमारी बना के देख लेते हैं। ओके, हेलो एवरीवन। सो ड्यू टू सम रीजंस हमारी वीडियो है जो वो बीच में ख़राब हो गई, तो मैं अब इवनिंग टाइम में नेक्स्ट डे दोबारा से शूट कर रही हूँ वीडियो। सो ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे हमारी कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पर हमारी जो नेस्कैफे होती है सनराइज वो वाला यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ 2 कप कॉफ़ी। तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए इसके अंदर जो मेजरमेंट लिखे हुए हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कॉफ़ी जो है वो डाल दूँगी। तो ये मैंने कॉफ़ी इसके अंदर डाली है। हल्का सा हम इसे जो है वो टैप करेंगे और ये पूरी जो है अच्छे से सेट हो गई है। इसके अंदर जो लेवल लिखा हुआ है लेवल 2, वहाँ तक जो कॉफ़ी पूरी सेट हो गई है हमारी, ठीक है। तो बस अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और बड़े आराम से जो है इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो लीजिए ये हमारी जो मशीन है ये अटैच हो गई है। तो हम लोग 2 कप कॉफ़ी बनाने वाले हैं, तो पानी हम उस हिसाब से लेंगे। तो ये जो हमारा मेजरिंग जग है इसके ऊपर पूरे जो है वो मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको कितने कप कॉफ़ी चाहिए उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 2 कप जो है वो पानी ले लिया है। तो बस इसे हम इसके अंदर जो है वो पोर कर देंगे। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे बिल्कुल टाइट। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे ये जो नॉब है ये अच्छे से जो है वो बंद हो जाए, ताकि जब हमारी मशीन चले तो वो जो है उसमें से स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। और इस जहाँ पर हमने कॉफ़ी डाली है वो भी हमारा अच्छे से जो वो सील हो जाना चाहिए। सो बस अब यहाँ पर मैं स्विच कर रही हूँ ऑन। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो जग रखूँगी।
नीचे ताकि इसके अंदर हमारी जो कॉफी है वो आ सके। एंड ये इस तरफ जो है हमें नॉब्स दिए गए हैं, एक है हमारा कॉफी मेकिंग का एंड दूसरा है हमारी स्टीम का। तो यहाँ पर हम कॉफी जो बनाने वाले हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको बटन को टर्न कर देंगे। ठीक है जी, तो बस अब हम कप में कॉफी आने का इंतजार करते हैं। ओके, तो साउंड आ रहा है अभी। सो लीजिए, हमारी जो कॉफी है ये हमें यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे हमें यहाँ पर दो कप कॉफी के लिए डाला है ना, तो थोड़ा सा पहले हम इसे जो है वो ऑफ कर देंगे, पूरा वाटर नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज हमें जो है फ्रॉथिंग करनी है मिल्क के लिए, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा जो है वाटर का जो है वो जरूरत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवल आने से पहले ही जो है इसे बंद कर दिया है। तो ये हमारी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीना चाहते हो तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं जो है वो मिल्क में डाल के फ्रॉथिंग करी। तो मिल्क फ्रॉथिंग के लिए सबसे पहले इसका जो नोजल है ये हम लोग प्लास्टिक का कवर ये निकाल देंगे। और यहाँ पर मेरे पास मैंने एक कप ले लिया है स्टील का बड़ा, जिसके अंदर मैंने 150 ml जो है वो मिल्क लिया है। ये मैंने जो है रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल मिल्क लिया है, थोड़ा हल्का सा ठंडा है बस उतना सा ही। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे और ये जो नॉब है इसे हम दूसरी तरफ जो स्टीमर वाला जो हमारा सेक्शन है उस तरफ घुमाएंगे। ओके जी, तो देखिए यहाँ पर हमारी फ्रॉथिंग अच्छे से हो गई है, दूध कितना अच्छे से जो है पूरा झाग हमारा बन गया है जी। तो जब आप कॉफ़ी बनाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो कॉफ़ी बन गई है तो इसको अभी टच नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो सारे जो पार्ट्स हैं मशीन के वो अभी इस वक्त काफ़ी गर्म है। तो इमिडिएटली इसे ओपन करके फिर से दोबारा कॉफ़ी बनाने के बारे में मत सोचिएगा, थोड़े टाइम इसे छोड़ दीजिएगा ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, अगर आपको दोबारा से इसे इमिडिएटली रीयूज़ करना है। दूसरा, जब हम फ्रॉथिंग के लिए मिल्क ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो कप है वो बड़ा लें और उसके अंदर दूध जो है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में रखें। जैसे मैंने इसमें 150 ml रखा था और देखिए इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो है झाग हो गई है। मुझे एक कप ही कॉफ़ी चाहिए, मैंने एक कप कॉफ़ी ही बनाना है, लेकिन क्योंकि उसमें वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आता है 1 कप, इसलिए मैंने 2 बना लिए। 1 कप के कॉफ़ी का जो है वो मैं सेव करके रख लूँगी, फॉर मॉर्निंग में बनाऊँगी। अगर मैं डालूँगी हमारा 1 कप कॉफ़ी जितना जो हम बनाएंगे उतना, देखिए। अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये है, मैं थोड़ा लाइट कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ तो इसलिए मैं इसको हाफ डालूँगी यहाँ से। ओके, दैट्स इट। तो इतना लिक्विड जो है मैंने इसके अंदर डाला है, अभी हम इसके अंदर जो है वो हमारा मिल्क वो जो है वो पोर कर लेंगे। ये लीजिए, और ये है हमारी यहाँ पर छाग। ओके, कॉफी हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसको ना अभी मेरे से सबर नहीं हो रहा है, फटाफट से मैं पी लूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर। तो ठीक है, देखिए झाग कितनी अच्छी आई है, कितना अच्छा फ्रॉथिंग हुआ है इसका दूध का, एंड इट्स रियली रियली गुड। बस इसमें जो है शक्कर ज़रूर डाल लीजिएगा पीने से पहले। मैं विदाउट शुगर पीऊँगी इसीलिए मैंने यहाँ पर शक्कर ऐड नहीं की है। आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त में शक्कर डाल सकते हैं, या फिर जब हम कॉफ़ी इसके अंदर पोर होने से पहले खाली जो जग होता है उसके अंदर भी शक्कर जो है वो डाल सकते हैं। ओके जी, तो बस अभी मैं कर लेती हूँ अपनी कॉफ़ी इंजॉय। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।